नमस्कार पोल्ट्री किसान भाई, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारे चैनल पोल्ट्री MKPS। तो पोल्ट्री किसान भाई, आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारा मुर्गियाँ जो होता है पैर पलटा के मर जाता है, पैर उल्टा करके मर जाता है, तो इसका क्या रीज़न होता है। बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर जो होता है मतलब समझ नहीं पाता, बहुत सारे पोल्ट्री भाई समझ नहीं पाता है कि इसका क्या रीज़न होता है। बेसिक सा इसका रीज़न है जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इसका क्या रीज़न है, मुर्गी बहुत सारा मुर्गी पैर पलटा के क्यों मर जाता है। बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर को एक इसका डाउट होता है कि हमारे मुर्गी में बहुत तरह का बीमारी आ गया, या फिर किसी भी तरह का इन्फेक्शन आ गया, या फिर किसी भी तरह का मतलब बीमारी वगैरह आ गया जिसका कारण हमारा मुर्गी मतलब मोर्टिलिटी वगैरह हो रहा है। क्योंकि जब वो मुर्गी को जैसे कि इसका मुर्गी जैसे बहुत सारा पोल्ट्री भाई का जैसे मुर्गी मर जाता है तो और इसे बाहर करके देखता है तो इसमें इसको जैसे कि किसी भी प्रकार का बीमारी वगैरह नहीं लगता, किसी भी प्रकार के बीमारी वगैरह नहीं लगता है। तो बहुत सारा पोल्ट्री भाई मतलब कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि इसका क्या रीज़न होता है, क्यों मरता है, मतलब मेरा फार्म में तो किसी भी तरह का बीमारी वगैरह है नहीं है, तो इसे समझ में नहीं आता है कि मतलब क्यों मर रहा है मतलब इस तरह का। तो देखिए इसका एक बेसिक सा रीज़न होता है तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। क्योंकि सबसे पहले आपको मतलब ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपका मुर्गी पैर पलटा के मरता है, अगर आपका मुर्गी पैर पलटा के मर जाता है और कभी कभार इस तरह का मरता है जैसे कि तो पर डे आपको जैसे कि मुर्गी एक दो मर जा रहा है और पैर पलटा के मर जा रहा है, तो इसका एक छोटी सी रीज़न होता है कि आपका फीड की मात्रा को ज़्यादा दे रहे हैं। अगर आपका ब्रॉयलर मुर्गी जैसे कि मतलब 18 से 19 की 20 की 25 के 25 डे के अंदर मतलब इस तरह का मोर्टिलिटी हो रहा है जैसे कि पैर मुर्गी एक दो मुर्गी मर रहा है और भी मतलब पैर पलटा के मर जा रहा है, तो इसका एक बेसिक सा रीज़न होता है कि आपका फीड की मात्रा ज़्यादा दे रहा है। अगर आपका मुर्गी इस दिन में मर रहा है मतलब जैसे कि 18 से 20-25 दिन के अंदर मर रहा है मतलब, तो इसमें आपका फीड की मात्रा ज़्यादा हो गया। तो पोल्ट्री भाई आपको मतलब छोटी सी मतलब बेसिक मैनेजमेंट जो आपको करना पड़ेगा आपको फीड की मात्रा पे आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका फीड की मात्रा ज़्यादा हो जा रहा है तो इस तरह का मुर्गा मरने के बहुत ही चांस रहता है। पर हमें जैसे कि बहुत सारा पोल्ट्री भाई कन्फ्यूजन में आ जाता है कि मतलब क्यों मर रहा है इस तरह का, मतलब मरना नहीं चाहिए, तो एक छोटी सी रीज़न यही है कि आपका फीड की मात्रा ज़्यादा हो जा रहा है। और बहुत सारा पोल्ट्री भाई मतलब सोचता है कि इसमें हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, फिर हार्ट का प्रॉब्लम हो जाने के बाद ही मतलब मुर्गी वगैरह मरने लगता है, तो देखिए इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता है। और हार्ट का जो प्रॉब्लम होता है वो लगभग 28 डे के ऊपर होता है, मतलब अगर आपका ब्रॉयलर चिक्स जैसे कि 28 दिन के पार हो गया ना तो मतलब आपका हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। बेसिकली इस तरह मतलब 18 से 20-25 दिन के अंदर मतलब हर चीज़ों का हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होता है, तो हार्ट के प्रॉब्लम से वो बिल्कुल नहीं मरता है। तो जो आपका फीड की मैनेजमेंट आपका इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, आपका फीड की मैनेजमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है अगर 18 से 20-25 दिन के अंदर मतलब आपका चिक्स का मोर्टिलिटी वगैरह हो रहा है और फिर उल्टा करके मर रहा है, तो आपका मतलब फीड की मैनेजमेंट आप अच्छी प्रकार से कीजिए। क्योंकि फीड की मैनेजमेंट के कारण ही आपका मतलब चिक्स मतलब मोर्टिलिटी वगैरह हो रहा है, शायद आप फीड की मात्रा कुछ ज़्यादा ही दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी फीड की मात्रा ज़्यादा बिल्कुल भी ना दीजिए। और फीड का जो मात्रा होता है जैसे कि 18 से 20-25 दिन के अंदर में हमें जो फीड खिलाना है आप इस तरह से ही फीड खिला सकते हैं, क्योंकि जो मुर्गा ज़्यादा फीड खाता है वही मतलब जल्दी मरता है, और जो मुर्गी मतलब कम फीड खाता है वो बिल्कुल नहीं मरता, और जो मुर्गी ज़्यादा फीड खाता है वो जल्दी मर जाते हैं। और कभी कभार होता है कि हमारे जैसे कि रूम का टेम्परेचर वगैरह के कारण भी जैसे कि हमारा मुर्गी का मोर्टिलिटी वगैरह हो जाता है, जैसे कि जो मुर्गी मतलब दाना ज़्यादा वगैरह के जो मुर्गी दाना ज़्यादा खा लिया और जैसे कि रूम की टेम्परेचर कभी कम कभी बेसी होते रहता है, तो इसका कारण जो होता है हमारे मुर्गों को मतलब सांस लेने में तकलीफ होता है, इसका कारण हमारे मुर्गी मतलब मोर्टिलिटी वगैरह होने के बहुत ज़्यादा चांस रहता है, तो इसका कारण भी मर सकता है। लेकिन जो इसका मेन जो रीज़न है मतलब मुर्गी पैर पलटा के उल्टा करके मरना, इसका एक जैसे कि बेसिक सा हम अगर रीज़न बताएँ तो पोल्ट्री भाई आप ना फीडर पर मैनेजमेंट कीजिए, इसमें फीड की मात्रा ज़्यादा दे रहे हैं। अगर आपका चिक्स 18 से 20 के 25 डे के अंदर आपका मर रहा है, आपका इस तरह का चिक्स अगर आपका मोर्टिलिटी वगैरह हो रहा है तो इसमें आपका फीड की मैनेजमेंट मतलब आपका ख़राब चल रहा है, तो इसमें आपको ना फीड की मैनेजमेंट पे ध्यान देना होगा। और फीड की जैसे 18 से 20 के 25 के अंदर में आपको फीड बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं खिलाना है। कभी कभार होता है कि हमारा बहुत सारा पोल्ट्री भाई ना फीड मतलब ज़्यादा ही मतलब सब फीड में मतलब भर देता है, इसे लगता है कि आप तो दो तीन दिन मतलब देना नहीं पड़ेगा, तो इस तरह से नहीं होता है पोल्ट्री भाई, मतलब आप फीड की जो होता है मतलब सब फीडर में मतलब 18 से 20 के 25 दिन जो अंदर होता है आप फीड जो है ना सब में मतलब एक जैसा मत भर दीजिए, मतलब
जैसे कि मतलब सब में पूरा फूल करके डाल दिए हैं, तो इस तरह से आप बिल्कुल भी नहीं डालिए, क्योंकि इस तरह होता है कि बहुत सारा पोल्ट्री मुर्गी मतलब ज़्यादा फिर खा लेने के कारण ही मर जाता है मतलब। तो फीड की आपके 18 से 20 के अंदर आपको फीड की मैनेजमेंट अच्छे प्रकार से करना पड़ेगा, तो ही आपका मुर्गी मोर्टिलिटी वगैरह से होने से बच जाएगा। तो जैसे कि आप वीडियो में मतलब देख ही चुके होंगे कि किस प्रकार से मुर्गी वगैरह मतलब मर रहा है पोल्ट्री भाई। अगर वीडियो अच्छा मतलब जानकारी अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और पोल्ट्री से रिलेटेड आपको किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो में।